आपसे अकेले में बात करना था मेरे को। समझ लो मैं अकेला ही हूं। मेरा कुछ माल आने वाला है शिप से, शिकोटी गांव में। कम से कम 2 साल तक आता रहेगा माल। अब ये तो सब जानते हैं कि उस इलाके में आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका आशीर्वाद चाहिए था हम लोगों को। हर कंसाइनमेंट का आपको 20 लाख मिलेगा। 20 लाख, और वो भी डिलीवरी से पहले। देखो रशीद, मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे बारे में क्या सुनकर आए हो। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि मैं कई ऐसे काम करता हूं जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना। मेरे ये काम तरह तरह के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं और मेरे बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। मैं नहीं करूंगा। 30 लाख? बिकाऊ समझ रखा है क्या? जानता है किससे बात कर रहा है तू? मेरा मतलब समझाने की कोशिश भी मत करना रशीद। मैं जानता हूं माल क्या है और क्यों आना है। नहीं करूंगा मैं। सुनो, तुझे भी करने नहीं दूंगा। से महाराष्ट्र की सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। परेशानी क्या है? परेशानी सरकार, वो जगह जहां पावर प्लांट लगना है, ठाकरवाड़ी। ठाकरवाड़ी क्यों? हमने डिटेल्ड टेक्निकल सर्वेस किए हैं और हमारे इंजीनियर्स का मानना है कि ये ठाकरवाड़ी प्लांट लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन प्लांट बनाने के लिए कुछ बड़ी आबादी वाले गांव वहां से हटाने पड़ेंगे। ये ठाकरवाड़ी के आसपास के इलाके हैं, नायपारा, बेकुल, कुचेरा, सिद्धि, कुल मिला के 5 गांव हैं। और जब तक हमें जिंदे। जी सर। कितने लोग रहते हैं इन गांवों में? तुम्हारा दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया?
किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आओ तुम मेरे पास? वो क्या गया तुम? सरकार, मैंने सोचा कि वो, अगर तुम्हारी सोच का नजरिया ये है तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। किस दुनिया में रहते हो तुम? कितनी बार समझाया तुम्हें कि तुम पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, सिर्फ मुंबई के नहीं। दो कड़ी की राजनीति कर करके चीजों के देखने और सोचने की काबिलियत खो दी है तुमने।